हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित करदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। 24 जनवरी 2019 रेलवे आरपीएफ कॉन्स्टेबल एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी हुआ है। कैंडी से बात करेंगे, जानेंगे उनका एग्जाम कैसा हुआ। कितने क्वेश्चन किए आपने? क्वेश्चन 1 से 10 अटेम्प्ट किए। आपने कितने किए? 94। क्या क्वेश्चन पूछे गए संविधान से? संविधान से कई सारे क्वेश्चन थे, कम से कम 8-9 क्वेश्चन थे संविधान से। क्या क्वेश्चन थे? ये था कि वो मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। रीजनिंग में तुम्हारे क्वेश्चन निष्कर्ष से मतलब 4-5 क्वेश्चन थे और आपके कोडिंग टूकोडिंग से जी ऐसे था। वो सती प्रथा का किसने वो किया, राजा राम मोहन राय। और उपग्रह से था बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है। हाँ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने? मैं 90। करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन? नो, करंट अफेयर का एक दो क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, दो क्वेश्चन थे। बायोलॉजी से कई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था। नहीं, क्या था? एक दो क्वेश्चन थे बायोलॉजी से। कौन सा क्वेश्चन था बायोलॉजी से? वो अप्सर और ऊर्जा तंत्र, वो सुनने अप्सराव्य और वो तरंगे होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन था। क्या अरे खिलाड़ियों का औसत 94 है, तो उसमें अगर कोच को भी शामिल कर दिया जाए तो एक वर्ष बढ़ जाता है तो उसके बाद कितना हो जाएगा। हाँ, और कुछ रेल से आ जाओ। एक क्वेश्चन आया था रेल से, उसमें पूछा था जैसे टाइम दिया था 400, जैसे उसकी दूरी दी थी, जैसे एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर लेती है तो रेल की लंबाई कितनी है। हाँ, रेल की लंबाई पूछी गई थी उसमें। कितने टाइम किए? 100। आपने कितने क्वेश्चन किए? मैंने किए 79। दो क्वेश्चन थे औसत से? दो क्वेश्चन नॉर्मल था, ज्यादा हार्ड नहीं है। औसत से दे रखा था कि दो गाड़ी उनकी रफ्तार ये इनकी औसत चाल याद कीजिए। दो गाड़ियों की चाल दे रखी थी 320 से 180 कुछ भी हो, उनकी औसत चाल निकालनी थी। और अपना संविधान के बारे में पॉलिटिकल भी दे रखा था। संविधान से क्या क्वेश्चन? संविधान से पूछा था कि जैसे हमारा संविधान है ये अनुभाग 4 में कहाँ से लिया गया है, अनुभाग 4 भाग 4 कहाँ से आया है, संविधान के भाग 4 में क्या क्या चीज़ आती है राज्य के, ये वाले ये क्वेश्चन थे। कानपुर विद्रोह वाला था उसमें। चोरी चोरा कांड के समय हुआ था ये पूछा गया। मैथ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, और हिस्ट्री में क्वेश्चन आए हैं एक चोरी चोरा कांड से आया था, और जनजातियों वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, और ज्योग्राफी में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बृहस्पति ग्रह का मतलब वो सबसे बड़ा पूछा गया था, उपग्रह पूछा गया था, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ज्ञानी मीड है, खेल से बहुत अच्छा है। एक गोल मतलब एक ट्रॉफी पूछी गई थी और एक गोल पूछा, गोल पर पूछा गया था ये मतलब खेल से संबंधित पूछा, ये खिलाड़ी कौन से हैं, एक क्रिकेट से संबंधित है। रीजनिंग में वो था बैठाने वाला क्रम वाला था, रीजनिंग में ही बनाया जा रहा है क्वेश्चन को टाइम बिगाड़ने के लिए थोड़ा। और दो थे क्वेश्चन। क्या थे क्वेश्चन? ध्यान नहीं पर है, थे दो क्वेश्चन था रीजनिंग से। जैसे मेरे पुत्री के भाई की लड़की, एक महिला संकेत करती है मेरी पुत्री के भाई की लड़की मेरी कौन लगेगी। हाँ, ये क्वेश्चन था। दर्पण से एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन जैसे छाया दर्पण बना लिया जाता है तो उसे कैसा बनता है। दर्पण से दो क्वेश्चन थे, उसमें अल्फाबेट थे, इंग्लिश अल्फाबेट में भी थे, ठीक है। और तुम्हारे मैथ में दो तीन क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्या थे कंपाउंड इंटरेस्ट से? वो उसमें पूछा था कोई मतलब क्रय विक्रय में चक्रवर्ती व्यास है। क्या क्वेश्चन था चक्रवर्ती व्यास में? अब इतना ये ध्यान तो याद नहीं है। ऐसे थे 4 थे क्वेश्चन चक्रवर्ती व्यास से। कोडिंग डिकोडिंग से? सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रीजन में बहुत सारे आ रहे हैं। व्रत वाले क्वेश्चन कई सारे 5-6 क्वेश्चन हैं जो टाइम बिगाड़ रहे हैं, वही ज़्यादा पूछ रहा है हर पेपर में, वही आ रहा है निष्कर्ष। वही तो बता रहा हूँ, जैसे व्रत में केंद्र में बैठे हैं 4 लोग तो ए उसके दाएं बैठा है, सी उसके बाएं बैठा है, तो एच तीसरे स्थान पर है, तो उसके बाद चौथा कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कितने अटैम्प्ट किए? मैंने किए से कम से कम 75। कोई योजना वगैरह पूछी गई? नहीं, कोई योजना करंट राज्यपाल मुख्यमंत्री वगैरह? हाँ, ये पूछा गया था। कोई नहीं पूछा। ये क्वेश्चन था ये करंट से
वो स्वच्छता भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई थी? 2014 वाला था, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई? पंचवर्षीय योजना से, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई? उसमें ऑप्शन दे रखे थे, उसमें आंसर देना था। योजना पहली बार कब चली? 1951-52-56 तक। खिलाड़ी थी उसके ऊपर, और एक गोल्फ से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी गोल्फ से संबंधित है? स्पोर्ट से आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट। मेंस रेशन में क्या है मैथमेटिक्स में? मेंस रेशन के 3-4 क्वेश्चन थे, एक तो त्रिज्या पूछी थी और एक परिधि पूछी थी। क्या क्वेश्चन था परिधि से? परिधि से था एक 480 और 320 लंबाई दी है, तो उसकी परिधि क्या निकलेगी? वर्ग पूछा था, वर्ग के दो क्वेश्चन थे जिनमें वर्ग की संख्या ज्ञात करवा रहा था, वर्ग की संख्या ज्ञात करवा रहा था, और एक क्वेश्चन में रेखाएं भी गिनवाई थी उसने, एक क्वेश्चन में रेखाएं गिनवाई थी उसने था, जैसे वर्ग बना दिया था उसमें, बीच से काट दिए थे, फिर दो बीच में और वर्ग बना दिए थे, उसके बाद एक में पूछ रहा था इनमें कितने वर्ग बनेंगे, वर्ग दो पूछे थे। केमिस्ट्री से आए थे, वो पूछ रहा था, रिएक्शन दे रहा था, अणु बाहर भी निकलवा रहा था, अमोनिया का और उसका परमाणु और उसका अणु का अनुपात पूछ रहा था, जो 8:1 या 1:8 है, जो हाइड्रोजन का उसका 8:12। और एक क्वेश्चन था उससे ज्योग्राफी से, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा आकर्षण में उसकी गति किस पे आकर्षित है? चंद्रमा अधिक आकर्षित है पृथ्वी से या पृथ्वी चंद्रमा से अधिक आकर्षित है? किसमें ज्यादा या चंद्रमा में ज्यादा? ये क्वेश्चन था उससे। और पाई चार्ट से क्वेश्चन थे, पाई चार्ट से, जैसे पाई चार्ट दे दिया 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का, उसके बाद उसमें उनका अंतर पूछ रहा है और कितने अंतर में किसमें लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत, 4%, 5%, ये आ रहे हैं हर पेपर में आ रहे हैं ये क्वेश्चन। पाई चार से 3-4 क्वेश्चन दिखे उसमें मुझे, पास आता है पी क्यू आर एम एल एन, इसमें संख्या दे दी थी उसके ऊपर, जैसे हम अंक दे देते हैं उस पर, ए बी सी डी का कैपिटल दे दिया था, उसमें पी के विपरीत पूछा था कौन सा था, पी के विपरीत कौन सा है, उसमें ऑप्शन था जैसे आर एन, हाँ ये था पासा से था एक, ये हाँ ये कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियाँ सभी वाले दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं, तो उसमें ये पूछ रहा था कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियाँ दीवारें हैं, जब सभी हैं तो कुछ क्या होंगे? तो कुर्सियों से कुछ कुर्सियाँ मेज हैं और कुछ मेजें सीढ़ियाँ हैं, तो उसमें अब ये पूछ रहा था कुछ सीढ़ियाँ मेज हैं, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, ये क्वेश्चन था ये। हाँ ये हमें बताना है उसमें से ऑप्शन के हिसाब से। नंबर ऑफ सीरीज से कई क्वेश्चन थे, एक था जैसे 12 12 दूनी 24 प्लस 1 25 25 दूनी 50 प्लस 1 51 51 दूनी 100 प्लस 1 101 101 दूनी प्लस 2, मगर उसका ऑप्शन गलत दे रहा है उसमें, उसमें 202 ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन गलत आएगा उसमें, कैसे भी कुछ भी करे। और दूरी वो रेल वाला था, रेल वाले से 2-3 क्वेश्चन थे, एक ट्रेन इतने समय में इतनी दूरी पार करती है, तो ये एक ऐसा था, एक प्लेटफॉर्म वाला था, बस 2 थे ट्रेन। डीजीजी में किसके टॉपिक से क्वेश्चन आए? हाँ वो ये सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, देखो 35 टाइम दे रहे ज़्यादा, उसमें से श्रृंखला वाले आ रहे हैं 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गए 8 क्वेश्चन, उसके बाद आपके पाई चार्ट से 3 क्वेश्चन बन गए, उसके बाद आपके ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन थे, उसके नॉर्म वर्बल थे जिसमें संख्या जो ज्ञात करना है हमें, और आकृतियों की, जैसे अगली आकृति कौन होगी, उससे 3 क्वेश्चन थे आकृतियों बारे में। हाँ और उसके उसके बाद ए बी सी डी पूछ रहा था, यही थे, और एज से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था, और घड़ी से कोई नहीं था, और कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, रीजनिंग में संविधान सबसे ज़्यादा आ रहा है, सही होता 5-6 क्वेश्चन है, और ज़्यादा भी हो जाएंगे उससे संबंधित भी संविधान से, मतलब दूर हिस्ट्री में आ जाता है पढ़ने मॉडल में। हाँ करंट अफेयर्स के 1-2 क्वेश्चन थे, 1-2 अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन जरूर पढ़ने के लिए, और स्पोर्ट वाले ये सभी आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन स्पोर्ट के जरूरी है और 3-4 अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन जरूरी है। तो आपने देखा किस तरह क्वेश्चन 24 जनवरी 2019 को रेलवे RPF कॉन्स्टेबल एग्जाम में सेकंड सेट में पूछे गए, कैंडिडेट बताया भी, आपने देखा भी, अब नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लोग करके आ रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना। मैं हूँ, अमेर करता हूँ यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब के लिए।